अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नई और मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं। और आज ये देखिए, हमारे पास ये मौजूद है एलपीजी गैस का सिलेंडर, जो कि हमारे घरों में मौजूद होता है। और साथ हमारे मौजूद है ये देखें पानी की बोतल। और आज का आइडिया ये है कि हम इस गैस को इस पानी के अंदर मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जैसे इस बोतल को इस तरह उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगी बहुत ही पावरफुल वाटर रॉकेट। तो अब सवाल ये है कि इस पानी के अंदर इस गैस को हम मिक्स कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो होती है गैस, जब हम इसे खोलते हैं तो ये देखें इस तरह हवा की सूरत में बाहर आती है। तो हम इसको मिक्स किस तरह करेंगे? तो इसका तरीका यह है कि ये जो गैस होती है ना, जब इसको प्रेशर के साथ इसके अंदर फिल किया जाता है सिलेंडर के अंदर, तो प्रेशर की वजह से ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और सिलेंडर के अंदर इस तरह अगर हम हिलाएं भी तो ये लिक्विड की फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होती है। तो जब हम इसे उल्टा करके खोलेंगे तो ये हमें लिक्विड की फॉर्म में बाहर आएगी, और नीचे हम कोई चीज़ रख के इसे लिक्विड की फॉर्म में कुछ देर के लिए बाहर निकाल सकते हैं। और फिर जो हमें लिक्विड निकलेगा नीचे से, उसको हम इस पानी के अंदर थोड़ा सा मिलाएंगे और इसे इस तरह उल्टा करेंगे, और ये बन जाएगी रॉकेट। और अब मैं आपको ये देखें निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह लिक्विड की फॉर्म में बाहर आएगी जब हम उल्टा करेंगे, और जब हम इसे सीधा कर देंगे तो ये वैसे ही गैस की फॉर्म में बाहर आएगी। तो चले, अब मैं इसे निकाल कर इसे आपको इसके अंदर पानी के अंदर लगा के आपको दिखाता हूँ कि हम इसका पावरफुल रॉकेट कैसे बना सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब ये देखें खाली बोतल के अंदर मैं ये इसमें से गैस को निकालने लगा हूँ। अब आप ये देखें, जी तो फ्रेंड्स, आप ये देखें इसके अंदर ये थोड़ी सी हमने एलपीजी गैस को निकाल लिया, और ये काफ़ी ठंडी होती है। और अब मैं इसे पानी के अंदर डालूंगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका रॉकेट कैसे बनता है। फ्रेंड्स, ये देखें हमने इसके अंदर एलपीजी गैस निकाली हुई है, और ये हमारे साथ पानी है। और अब ये देखें, मैं इसके अंदर थोड़ी सी एलपीजी गैस को मिलाऊँगा। और ये इतनी बहुत होगी। और अब मैं देखें इसे जैसे ही उल्टा करूंगा, ये देखें, तो हमारी बोतल एक पावरफुल रॉकेट की तरह ऊपर को उड़ गई। अब हम इसको दो तीन बार और करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा रॉकेट कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिंपल सा वाटर वाला रॉकेट होता है, ये काम किस तरह करता है। होता ये है कि हमने इतना इसके अंदर बोतल के अंदर पानी डाला होता है, और उसके ऊपर से हम थोड़ी सी इसके अंदर एलपीजी गैस को डाल देते हैं। जो एलपीजी गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कोई इसका -25 से 30 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होता है। और जब हम इसको पानी के ऊपर डाल देते हैं, और तो ये पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आगे इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना शुरू कर देता है, और ये जल्दी से गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर से निकलती है। और जैसे ही हम बोतल को इस तरह उल्टा करते हैं
तो ये जो गैस होती है ये पानी के साथ मिक्स होने की कोशिश करती है, जब मिक्स होती है तो सारी जो गैस होती है लिक्विड फॉर्म में वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है और इसका वॉल्यूम तकरीबन 10 गुना बढ़ जाता है। और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये सारा कुछ प्रेशर के साथ इसके पीछे से निकलता है और हमारी बोतल ऊपर की तरफ जाती है। तो ये इसका सिंपल सा वर्किंग का मैकेनिज्म था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।